जाओ। जब फिर जब वो गोपी इधर से गुजर रही थी, फिर कृष्ण ग्वाल वालों को साथ में फिर उनको पर मैं आक्रमण की, तो इतने में जितने गोपियां ना इस तरह की हुई बजाई बजाई, तो जितने सब गोपियां थी चारी तरफ पर जैसे पुलिस होते है ना, इसलिए चारी तरफ से एकदम गोपियां निकल करके झाड़ी को अंदर से आ गई, आंख रखे कृष्ण को यहीं पर पकड़ लिए और सखाओं को पकड़ लिए, किसका चोटी पेड़ को बांध दी और किसी सखा को हाथ को किसी पेड़ को पीछे बांध दिए। इतने में जो मधुमंगल था बोले भैया इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमारा जो लीडर है ना ये कन्हैया जैसे बोलते हैं हम वैसे करते हैं, हम गरीब ब्राह्मण हमारा साथ में कुछ मत करो। बोले ये कन्हैया मूल, बोले हाँ बोले पकड़ उसको, पकड़ करके उनको लहंगा चुनरी और कान में उनको कुंडल और उनको प्यार में नुपुर जैसे एक लड़की को सजाते हैं कृष्ण को सुंदर करके सजाए और यहीं पर खड़े किए और एक गोपी जाकर ऊपर गई और उठाया मटकी और मारे मटकी में पत्थर, मारते ही मटकी फूट गई और कन्हैया दूध दही से कन्हैया स्नान कर लिया। बोले और ऐसे करोगे? बोले नहीं। बोले कान पकड़ो, कान पकड़े, बोले उठो और बैठो, कृष्ण को भी यहाँ पर उठ बैठे होकर आया। यहाँ पर देखो भगवान कहाँ पराध पर तत्व है, हाँ जिनकी एक इशारा पर जस्य प्रभा प्रभवत जग दंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधाति विभूति वृणम, जिनकी केवल एक इशारा होने पर जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है, जिनकी एक एक लोम कूप में करोड़ों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, लेकिन आज भगवान गोपी की प्रेम में बसीभूत होकर के कहां उनको उठा और बैठे कर रहा है। कभी यही चीज दिखा रहे हैं भगवान प्रेम को आगे कृष्ण कितने झोंक जाते हैं, इसलिए यहीं पर ये लीला प्रभु ने की है। हम लोग यहाँ पर आए इसलिए यहाँ पर हम प्रार्थना करें, यहाँ का धूल लगाए, एक दिन जैसे हमारे हृदय में वो लीला स्फूर्ति हो। देखो ये जो रास्ता है ना इसका नाम साकरी खोर, साकरी मतलब होते पति, खोर मतलब होता रास्ता। अभी आप लोग जाओगे इधर से वो रास्ता ऐसे बनी हुई ना जो एक व्यक्ति छोड़ करके जिसमें दूसरे व्यक्ति जा ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या है? बोले प्रेम गली अति साकिरी ताहे न दोए समाए, मतलब अगर कृष्ण की भक्ति करना होना एक मन से भक्ति करना पड़ेगा, जिसको कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्त माम जाची माम नमस्कुरु, एक मन से उसको भक्ति करना पड़ेगा तभी जाकर के प्रभु रिझते हैं, नहीं तो प्रभु को रिझना रिझना बड़ा कठिन है। बोले श्री साकिरी खोर की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो ये जो रास्ता ना, ये रास्ता ना हो जी साकिरी खोर, साकिरी माने पतला, रास्ता माने रास्ता जहाँ भी जणीय लोग खाली जाई पारे, यही कृष्ण सांग निज सांग मानक सांगरे।